नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे पीएम। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है और अब उत्तराखंड के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव का अब जो है शंखनाद रुद्रपुर से करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत रुद्रपुर से करेंगे, उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें आज उत्तराखंड में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, वोट मांगने की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और राजस्थान के जयपुर ग्राम के कोटपुतली में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। बता दें आपको, उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान के दौरे पर भी रहेंगे और रैली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रैली को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड और राजस्थान के दौरे पर। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान के दौरे पर भी है, जहां पर आज बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे रुद्रपुर में, क्या अपडेट है उनकी रैली को लेकर? जैसा कि पहले चरण के नामांकन भरने के बाद चुनावी रणा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, देश भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लग गई हैं। चुनावी आयोग ने भी चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। भाजपा अपने 400 पार नारे के साथ चुनावी रण में उतरी हुई है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने मेरठ में चुनावी सभा की थी, जहां पर पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा था। इसी कड़ी में पीएम मोदी का आज उत्तराखंड और राजस्थान दौरा होगा, जहां उत्तराखंड में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं राजस्थान में एक सार्वजनिक बैठक को पीएम संबोधित करेंगे। सौरभ, जिस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और चाक चौबंदी के बीच पीएम मोदी की रैली और आम सभाएं होती हैं, आज राजस्थान और उत्तराखंड में भी उनके आगमन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब भी वे आते हैं एक बड़ा दल, एक कमांडो का दल उनके साथ हमेशा रहता है उनकी सुरक्षा के लिए, तो आज का दौरा उत्तराखंड में कितनी कड़ी व्यवस्था सुरक्षा के दृष्टि से अगर हम देखें तो की गई है? रैली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े उपाय किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है, ड्रोनों से निगरानी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर तैनात पुलिस कर्मी की ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी प्रकार के संदिग्ध हैंड बैग और अन्य सामग्री पर लगातार नजर रहेंगे। आईजी विजिलेंस, डीआईजी, एसएसपी 46वीं पहाड़ी के पीएससी आदि अधिकारी भी सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे और स्वयं सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। पुलिस लाइन में जहां पर पीएम मोदी की सभा होनी थी, एक दिन पहले कार्यक्रम का डेमो भी किया गया। डेमो में दिखाया गया कि पीएम मोदी की सुरक्षा किस तरह से की जाएगी।
निश्चित रूप से, जैसा कि आपने बताया कि कार्यक्रम के पहले एक डेमो भी किया गया, जिसमें कि एक डेमो एक रिहर्सल की, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उसके पहले एक रिहर्सल के तौर पर ये करके दिखाया जाता है कि किस तरह से उनका आगमन होगा, किस तरह से वो रैली को संबोधित करेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उत्तराखंड में इस बार भाजपा की सरकार, तो वैसे भी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी भाजपा के हैं, और आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तराखंड में किस तरह का भाजपा की लहर दौड़ी है या नहीं दौड़ी है, क्या माहौल है उत्तराखंड में भाजपा को और अन्य पार्टियों को लेकर? जी, जैसा कि भाजपा की कार्यप्रणाली से जहां एक और पूरी विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है, विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है, लेकिन इंडी गठबंधन भी जमीनी स्तर पर कुछ विशेष कार्य नहीं कर पा रहा है। अब चूंकि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर उत्तराखंड में 2014 में भाजपा ने जीत का परचम लहराया था, और फिलहाल में उत्तराखंड में बीजेपी से ही मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उत्तराखंड में बीजेपी की लहर स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, वही कांग्रेस इस राज्य में निष्क्रिय नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करने उत्तराखंड पहुंचेंगे और साथ में आज राजस्थान के दौरे पर भी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए जो है वोट मांगने की अपील करेंगे और चुनावी जीत का मंत्र देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में और राजस्थान में।